आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में, जिसे हम आईपीएल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कोई भी आईपीएल इस नाम से अपरिचित नहीं है। आईपीएल ने पिछले कुछ दशकों में एक ऐसी महारत हासिल की है जिसको देखना, परखना, जानना सबके लिए जरूरी है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको क्रिकेट पसंद है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि अगर आप क्रिकेट नहीं भी पसंद करते तब भी आईपीएल की कुछ चीजें हम सीख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल या तो हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में या फिर हमारे कार्यस्थल पर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर खुद आप एक बिजनेसमैन हैं तो वहां पर भी आपको इन चीजों की आवश्यकता जरूर महसूस होगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आईपीएल जो इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आईपीएल आज आईपीएल क्यों बन चुका है, और इसकी बहुत सारी वजह है जिसको जानना परखना हमारे लिए बेहद जरूरी होगा। तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर आप देखें तो हर 2 सालों में आईपीएल का मूल्यांकन जो है वो दरअसल बढ़ते रहा है। अब शुरुआत करते हैं 2014 साल से। 2014 साल में अगर आप देखें तो आईपीएल का मूल्यांकन था तकरीबन 3.2 अरब डॉलर। लेकिन अगर आप देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 2023 तक पहुंचते हैं, तो यही मूल्यांकन पहुंच चुका है 11.2 अरब डॉलर। लेकिन ये अंत नहीं है दोस्तों। हैरानी की बात तो यह है कि जब हाल ही के दिनों में सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा कि मैं तकरीबन 5 अरब डॉलर की लागत करना चाहूंगा आईपीएल पर, तब आईपीएल का कुल मूल्यांकन 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 30 अरब डॉलर। अब ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो विश्व को देखते हुए, खेल जगत को देखते हुए अपने आप में अचंभित करने वाले आंकड़े हैं। और ये आंकड़े इस बात को बयां करते हैं कि आईपीएल किस कामयाबी तक पहुंच चुका है, और इस कामयाबी के पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको समझना परखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए, जब आईपीएल इतनी महारत हासिल कर रहा है तो इसके साथ जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, उनकी भी सफलता जो है वो अपने आप गगनचुंबी होने लगती है। तो ये कुछ आंकड़े हैं 2023 साल के, जब आईपीएल के खिलाड़ियों की बिकवाली हुई थी। और आप देख सकते हैं कि जिस खिलाड़ी ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है विश्व स्तर पर, उस खिलाड़ी को ज्यादा मूल्य भी प्राप्त हुआ है। तो ये सब तो बात हुई कामयाबी की। अब इस कामयाबी के पीछे जो वजह है, जो मूल कारण है, उसको समझने की जरा कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आईपीएल जो एक सिस्टम के तहत काम करता है, इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। अब फ्रेंचाइजी मॉडल का क्या मतलब है कि आप अपनी टीम खरीद सकते हैं, और हर शहर की अपनी एक टीम होती है। उस प्रकार आईपीएल में आज की तारीख में 10 टीमें हैं। तो इसमें निवेश करने वाले लोग हैं बड़े बड़े उद्योगपति, या फिर खेल जगत के लोग, या फिर सिनेमा जगत के लोग, जिनके पास पैसा है और जो अपने पैसे की लागत खेल के साथ जोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग आईपीएल से जुड़े हुए हैं। और आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने पैसे का निवेश आईपीएल में करे, यानी जिसके पास पैसे हैं, ताकि वो अपने निवेश को दुगना या 4 गुना होता हुआ देख सके। तो सबके लिए ये एक सफल मॉडल रहा है, जिसकी वजह से आईपीएल पिछले 2 दशकों में इतना कामयाब हो पा है। अब इसी कामयाबी के साथ एक और चीज जो हम देखते हैं वो है कि आईपीएल ने लोगों के साथ अपना संबंध कैसे सुधारा। अब देखिए, शुरुआती दौर में होता ऐसे था कि जहां पर सिर्फ टेस्ट मैच क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को महारत हासिल थी, तो कई सारे लोग स्टेडियम जा पाते या नहीं जा पाते, क्योंकि वनडे क्रिकेट पूरे दिन चलता है और टेस्ट मैच क्रिकेट 5 दिन के लिए। तो अगर आपको कुछ ही घंटों का मनोरंजन चाहिए, जिसके लिए आपके पास उतना ही वक्त है, तो फिर आप क्या करें। अब तब दाखिल हुआ T20, और इसी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया इंडियन प्रीमियर लीग ने। तो इंडियन प्रीमियर लीग में सारे जो मैचेस खेले जाते हैं, आप जानते हैं कि T20 होते हैं। अब T20 मैचेस 3 या 4 घंटे के मैचेस होते हैं, जिसका मतलब इन मैचेस को देखने के लिए दर्शक अपने घर से निकलकर स्टेडियम तक आ सकते थे। अब ये मैचेस जो हैं ये शाम के वक्त होते हैं, जिसका मतलब है लोगों के पास वक्त होता है अपने काम को पूरा करने के बाद वो अपने परिवार के साथ आकर मैच देखें। लेकिन अगर आप स्टेडियम नहीं जा पाए, तब भी आप इन मैचेस का लुत्फ आईपीएल फैन पार्क्स में उठा सकते हैं। अब ये आईपीएल फैन पार्क्स ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े स्क्रीन या बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, और वहां पर भी अन्य लोगों के साथ आप इन मैचेस का लुत्फ उठा सकते हैं। आज की तारीख में 50 से भी ज्यादा आईपीएल फैन पार्क्स भारत में कार्यरत हैं, जहां पर दर्शक मैचेस का पूरा लुत्फ, पूरा आनंद उठा सकते हैं।
साथ ही साथ एक और बेहतरीन चीज जो यहां पर घटी है वो है कि महिलाओं के लिए मनोरंजन का स्रोत आईपीएल बन चुका है। इसका मतलब है कि बहुत सारी महिलाएं जो चाहती थी कि वो भी क्रिकेट का लुत्फ उठाएं, क्रिकेट का आनंद लें, मजा लें, पहले शायद ज्यादा वक्त ना देने की वजह से वो स्टेडियम नहीं जा पा रही थी, लेकिन आज जैसे मैंने आपको बताया 3 या 4 घंटे में आप किसी भी मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। और इस वजह से हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं दर्शक बन के भी स्टेडियम तक जा रही हैं और मैच का आनंद उठा रही हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि जो खेल जगत के प्रेमी हैं उनमें सिर्फ मर्द शामिल नहीं है, महिलाएं भी उतनी ही शामिल हैं। और इस वजह से आईपीएल की लोकप्रियता जो है वो सालों साल सिर्फ बढ़ती रही है और घटने का नाम नहीं ले रही। एक और चीज है जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना काफी जरूरी है। कहते हैं कि क्रिकेट में टाइमिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और टाइमिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन ये टाइमिंग इसका लाजवाब उदाहरण है आईपीएल। अब यहां पर टाइमिंग की अगर बात करें तो वो है साल में किस वक्त आईपीएल का आयोजन होता है। आईपीएल मैचेस दरअसल मार्च, अप्रैल या मई के महीने में आपको नजर आते हैं 1.5 महीनों के लिए। और खास बात यह है कि यही वो वक्त होता है जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलती है क्योंकि उनकी परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं, जिसका मतलब है बच्चों के पास वक्त है। अब बच्चे करें तो करें क्या, तो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ स्टेडियम में जाकर मैच का आनंद उठा सकते हैं या फिर घर बैठे बैठे मैच देख सकते हैं, जिस वजह से बच्चों के पास भी एक जरिया खुल गया है मनोरंजन का। तो ये है टाइमिंग जो आईपीएल ने बहुत ही सटीक तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनाई है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, जो सारे मैचेस होते हैं ये या तो शाम के वक्त होते हैं या रात के वक्त, जिसकी वजह से ज्यादा दर्शक इन मैचेस को देख पाते हैं। तो ये थी लाजवाब टाइमिंग आईपीएल की। अब क्योंकि हम खेल जगत की बात कर रहे हैं तो मनोरंजन का तड़का तो उसमें लगेगा ही। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत सारी टीमें ऐसे हैं जिसमें पैसे, बड़े बड़े दिग्गजों के पैसे वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ आईपीएल जो हर श्रृंखला का आयोजन करती है उस श्रृंखला का आयोजन बड़ी सफलतापूर्वक होता है। जब आईपीएल का उद्घाटन होता है तब भी हम देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो आकर अपनी कला यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह जब आईपीएल का समापन होता है उस वक्त भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आकर अपनी कला का जलवा यहाँ पर बिखेरते हैं। अब इसकी वजह से होता यह है कि दुनिया भर से लोग आज आईपीएल को जानते हैं, पहचानते हैं और इसको सफल मानते हैं। तो ऐसे विभिन्न कारणों की वजह से आज आईपीएल उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां पर बहुत कम ऐसे संस्थाएं हैं जो कह सकती हैं कि हम सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक नाम है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। और आखिरी चीज जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आईपीएल अब सिर्फ पुरुषों तक तो सीमित नहीं है, अब धीरे धीरे महिलाओं को भी अपनी प्रतिभा बिखेरने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने वुमेन्स प्रीमियर लीग को एक नया मकाम हासिल करते हुए देखा है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि सभी महिला क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा साबित करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वो विभिन्न कारण हैं जिसकी वजह से आईपीएल आज एक सफलतापूर्वक सीढ़ी चढ़ चुका है और आने वाले वर्षों में शायद ये नए आयाम को छू पाएगा सफलता के। और इसीलिए मेरे ख्याल से आईपीएल से हम सबको थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए जिसका इस्तेमाल हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी या फिर अपने बिजनेस या कार्य क्षेत्र पर कर सकते हैं। आखिरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर आप इस आईपीएल की ट्रॉफी को देख रहे हैं तो इस आईपीएल की ट्रॉफी को अगली बार जरा ध्यानपूर्वक देखना, हो सके तो नजदीक से देखना, जिस पर लिखा गया है यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति, जिसका मतलब है कि वो जगह है जहां पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। तो ये संस्कृत के कुछ शब्द यहाँ पर अंकित हैं जिनको अगली बार देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रतिभा को अवसर मिले तो उसे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट और आईपीएल का लुत्फ उठाते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।